चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? दोबारा से वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की किसी बच्चे ने एप्लीकेशंस डिमांड करिए तो अभी इसके बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है बेटा, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई रिजल्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा रिजल्ट है? वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब पहले तो हम दो वेक्टर बना लें। दिस इज ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है, दिस इज बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। अब मुझे इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है या वेक्टर प्रोडक्ट करना है, रिजल्ट एक वेक्टर आएगा। तो चलो पहले देख लेते हैं, ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या? क्रॉस है। पिछले वाले में डॉट प्रोडक्ट कहते थे क्योंकि वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या था? डॉट था। चलो ए क्रॉस बी कम्स आउट टू बी अ वेक्टर, सपोज सी वेक्टर आया बेटा। क्या आया? सी वेक्टर आया। कोई इशू है इसमें? ठीक है, ए क्रॉस बी हमारा एक सी वेक्टर आया। अब मुझे करना क्या? सी वेक्टर निकालना है। अगर मुझे किसी वेक्टर को निकालना है तो मुझे उसकी दो चीजें पता होनी चाहिए। एक, उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, मतलब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एक सी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय इट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी कि मुझे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और सी कैप चाहिए। सी कैप मतलब उसका क्या? डायरेक्शन। चलो, तो सबसे पहले, और मैंने एक चीज और बोली थी, जो रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का आ रहा है उसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको अमन सर नॉन मेडिकल वाले बच्चों को देंगे जब वो 12th क्लास में वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है? मेडिकल वालों को जितना मैं बता रहा हूं उसको उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। चलो, अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। ये सी वेक्टर का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। या ए क्रॉस बी का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर है? चलो, अब मुझे सी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए बेटा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में जो रूल होता है फॉर डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और सी कैप, ठीक है, वी यूज राइट हैंड स्क्रू और थंब और कर्ल रूल। ठीक है, इतनी बात। उसको राइट हैंड स्क्रू भी कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो। अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनना। एक्चुअल में क्या है, हमारी बुक्स में या बहुत सारे कंट्रीज की बुक्स में राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज में लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया जाता है। तो हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, मतलब राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है अगर मैं किसी पेज को, मतलब देखो अगर ये मेरे पास पेज है और राइट हैंड को मैं एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो अंगूठा किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। तो ये स्क्रू किधर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। और अगर मैं राइट हैंड को क्लॉकवाइज में घुमाता हूं तो अंगूठा किधर की तरफ है? अंदर की तरफ है। तो यानी कि स्क्रू किधर की तरफ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। दिस इज राइट हैंड स्क्रू रूल या थंब रूल या कर्ल रूल। अब इसका मतलब क्या है? देखो एक मिनट, इसका मतलब यह है कि डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और सी कैप के लिए हम क्या करते हैं, वी प्लेस राइट हैंड पाम
along, right hand palm along first vector, जो जैसे A cross B है तो first कौन हो गया, A हो गया, first vector. कैसे मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने palm first vector की तरफ ऐसे रखा, ठीक है, दीज मतलब ऐसे रख दिया, ठीक है, फिंगर्स ए के डायरेक्शन में और जो बेस है पाम का वो ए के इनिशियल पे, ठीक है, ऐसे रख दिया, ठीक है. नाउ कर्ल फिंगर्स टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर. नाउ कर्ल फिंगर्स टुवर्ड्स सेकेंड वेक्टर, ठीक है. अब होगा क्या, देन अब देखो हमने ऐसे रखा था, एक बात बताओ क्या ऐसे करके कर्ल हो पाएगा, नहीं, मेरा हाथ टूट जाएगा, उंगलियां टूट जाएंगी, तो कर्ल तो ऐसे होगा, तो हमने कर्ल करा किसकी तरफ, सेकेंड वेक्टर की तरफ. तो जो अंगूठा है, जो थंब है हमारा, दैट गिव्स अस व्हाट डायरेक्शन ऑफ व्हाट, सी वेक्टर. तो क्या कहानी है, देन थंब गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर और सी कैप. सी वेक्टर या सी कैप की डायरेक्शन हमें कौन देगा, थंब देगा. अब जरा देखो इस केस में सी कैप की डायरेक्शन किधर आ रही है, बाहर आ रही है, तो हम लिखेंगे सी कैप इज डायरेक्टेड आउटवर्ड डॉट. सिम डॉट से अगर देखो आप जो भी सवाल करोगे कॉपी पे या बोर्ड पे करोगे, तो कॉपी से बाहर की तरफ कोई चीज निकल रही है तो उसको सिंबलाइज करेंगे डॉट से, कॉपी पे अंदर की तरफ तो क्रॉस से, अभी बता देंगे. तो डॉट मतलब आउटवर्ड, तो सी वेक्टर जो है वो कैसा है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड. सी वेक्टर आउटवर्ड या सी कैप भी कैसा, आउटवर्ड. अब अगर मैं सी वेक्टर लिखूंगा तो सी वेक्टर लिखूंगा सी का मैग्नीट्यूड और सी कैप उसका क्या, डायरेक्शन, यही करूंगा. तो अब हमारे पास क्या आ गया, जरा देखो, सी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा सी कैप, ये लिख दिया हमने. तो ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड एंड सी कैप इज व्हाट, इट्स डायरेक्शन विच इज आउटवर्ड. आउटवर्ड मतलब हम डॉट लगा देंगे यहां, क्या लगा देंगे, डॉट अपने आप सिंबलाइज कर रहा है किधर है, आउटवर्ड है. कोई दिक्कत है इसे, चलो अब एक और काम करते हैं बेटा, ये हो गया. तो अब अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं रिजल्ट, सी वेक्टर इज सी इंटू सी कैप डॉट आउटवर्ड, या सी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा सी कैप डॉट, ये. चलो अब इसी में हम एक काम और कर लेते हैं बेटा, यहीं पर एक चीज और देखते हैं. अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप निकालो B, इसी डायग्राम में B क्रॉस A, अब A क्रॉस B नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, B क्रॉस A, ठीक है, इतनी बात. अब अगर हम B क्रॉस A निकालते हैं, ठीक है, इतनी बात. चलो उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, इसको करने से पहले, ठीक है. तो हमने C वेक्टर का डायरेक्शन देख लिया, A की तरफ पाम रखा, उस फिंगर्स को कर्ल करा किधर की तरफ, B की तरफ, अंगूठा किधर आ गया, बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आ गया मतलब सी वेक्टर किधर की तरफ डायरेक्टेड है, बाहर की तरफ. अब जरा देखो सी वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है. अब आप एक मजेदार बात देखो, जो ये सी वेक्टर है ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है या नहीं है, क्योंकि सी वेक्टर जो आ रहा है, सी वेक्टर और सी कैप इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड आउटवर्ड्स, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सी वेक्टर बोर्ड के परपेंडिकुलर किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, आप खुद देख लो, अंगूठा की तरफ, बोर्ड के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, ठीक है, इतनी बात. तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आ रहा है सी वेक्टर, वो क्या है, जिस प्लेन पे ए और बी वेक्टर है उस प्लेन के क्या आ रहा है, देखो ए और बी किस प्लेन पे है, बोर्ड के ऊपर है, और सी वेक्टर कैसा आ रहा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं कि सी वेक्टर और सी कैप इज, ये डायरेक्शन है, सी वेक्टर तो वेक्टर है और ये क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है, ठीक है, इतनी बात. सी वेक्टर और सी कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड
कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिस भी प्लेन पे ये दोनों वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा कौन आएगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, सी वेक्टर। क्लियर इतनी बात? तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर आ रहा है सी वेक्टर, और वो ए और बी प्लेन पे, सॉरी जिस प्लेन पे ए और बी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उस प्लेन के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। अब अगर इसमें कोई समस्या हो तो मुझे अभी एक मिनट बता दो, प्लेन क्या होता है? ठीक है, प्लेन बता देते हैं भाई। बेटा कोई भी टू डायमेंशनल सरफेस, कोई भी सरफेस, जैसे मैंने ये पेपर पकड़ा, ये सरफेस हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है। ये क्या है, प्लेन सरफेस है। ठीक है इतनी बात, इसको प्लेन कहते हैं। अब यहां पर हम जब ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये किस प्लेन के ऊपर है, इस वाले प्लेन के ऊपर जो बोर्ड है, ठीक है। और जरा देखो सी वेक्टर कैसा आया, सी वेक्टर ऐसे आया। तो जरा एक बात बताओ, इस बोर्ड के सी वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं? तो यही बात तो मैं लिख रहा हूं, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड, बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। या सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो बोर्ड के ऊपर है, सी वेक्टर बोर्ड पे नहीं है, देखो बोर्ड के क्या है, बाहर की तरफ है। क्लियर इतनी बात? तो सी वेक्टर जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर बोर्ड के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस केस में कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है इतनी बात। तो मैं क्या कह रहा हूं, सी वेक्टर या सी वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड कंटेनिंग ए एंड बी, जिस प्लेन पे ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं उस प्लेन के क्या, देखो ये बोर्ड के ऊपर ही है ना ए वेक्टर बी वेक्टर, और सी वेक्टर किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर टू दिस। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ रहा है सी वेक्टर, वो इस बोर्ड के ऊपर नहीं होगा, बोर्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस केस में ए क्रॉस बी में किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ठीक है, अब तो हम ये भी कह सकते हैं, जरा देखो अगर ये सी वेक्टर है, ध्यान से देखना, तो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। बी वेक्टर के साथ भी कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ऑल्सो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मैं एक बार और लिख देता हूं, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सी वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस पे ए वेक्टर और बी वेक्टर है। क्लियर इतनी बात? अब दोबारा से समझ लो बेटा एक बार, है ना। आप देखो ए क्रॉस बी सी वेक्टर आ रहा है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड में ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो उसके लिए हम पहले वाले वेक्टर की तरफ राइट हैंड पाम रखते हैं और उसको घुमाते हैं फिंगर्स को किसकी तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ। अंगूठा किधर आ गया, बाहर। बाहर मतलब जरा देखो ये जो बाहर आ रहा है ये क्या बोर्ड के ऊपर है, नहीं बोर्ड के ऊपर नहीं, बोर्ड से क्या है, बाहर है, नॉर्मल है बोर्ड के, परपेंडिकुलर है बोर्ड के। क्लियर इतनी बात? तो एक बात बताओ, तो इसका मतलब सी वेक्टर क्या हो गया या सी कैप क्या हो गया, बोर्ड के से बाहर की तरफ, और सी वेक्टर और सी कैप बोर्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो ए के भी परपेंडिकुलर है। आप खुद देख लो, ये देखो ये ब्लू वाला मार्कर हमारा ए वेक्टर था और ये सी वेक्टर आया था, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये ब्लू वाला वेक्टर क्या था हमारा, बी वेक्टर था, और ये क्या था, सी वेक्टर। इनके बीच में भी एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास क्या कहते हैं, सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर, और जिस बोर्ड जिस प्लेन पे ए और बी वेक्टर हैं उनके भी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? चलो अब एक और चीज करते हैं बेटा, ये हो गया। अब एक चीज और, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं थोड़ा बड़ा लिखो, बेटा आपको कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आपके घर में लैपटॉप या क्या कहते हैं टैब है या डेस्कटॉप है, तो कोशिश ये करो कि उस पे लेक्चर को देखो लाइव, ठीक है, क्योंकि उस पे स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है, वो अपने आप बड़ा हो जाता है, ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको मिलेगा ही, तो उसमें आप और अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो कोशिश ये रखो कि आप जब भी वीडियो लेक्चर देखते हैं, अगर आपके घर में लैपटॉप टैबलेट या डेस्कटॉप है, तो वीडियो लेक्चर को उसी पे देखें, क्योंकि वहां थोड़ा सा हमें स्क्रीन साइज बड़ा मिल जाता है, तो हमें थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम किस पे, ये तो हमारा
ए क्रॉस बी वेक्टर आया सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये और डायरेक्शन कैसा बाहर की तरफ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बी क्रॉस ए वेक्टर, ये बताना है मुझे बी क्रॉस ए वेक्टर। मान लेते हैं दिस इज पी वेक्टर, आएगा तो वेक्टर ही, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है। तो अब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल, एंगल कितना इनमें साइन थीटा। तो एक बात बताओ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी क्या था, ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड क्या, बी ए साइन थीटा, दोनों सेम चीजें हैं, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जरा डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन में फॉर डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर और पी कैप हम क्या करेंगे, राइट हैंड पाम फर्स्ट वेक्टर के अलोंग रखेंगे, अलोंग बी वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी, जरा रख दो आप, रख दिया आपने ऐसे, ठीक है, इतनी बात। आप ऐसे नहीं रखोगे, रख सकते हैं, मैंने थोड़ा सही बात ना छुपा लिया आपसे कि बड़े वाले एंगल से करें तो क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, लेकिन मैं उस बात को थोड़ा सा छुपा रहा हूं जानबूझ के, ठीक है। तो उसको बाद में मैं बता दूंगा आपको जब सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप हमेशा ऐसे रखो कि छोटे वाले एंगल को आपका पाम फेस करे कर्ल करने के लिए। अब जरा देखो, बी की तरफ आपने फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की तरफ आपने अपना राइट हैंड पाम रख दिया। अब फिंगर्स को कर्ल करेंगे हम किसकी तरफ, सेकंड की तरफ, सेकंड यहां पर क्या है, ए वेक्टर है। अंगूठा किधर गया जरा देखो, अंदर। तो नाउ कर्ल फिंगर्स टूवर्ड्स ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर यहां क्या है, ए वेक्टर है। तो अब क्या आया, पी वेक्टर और पी कैप इज इनवर्ड्स, कैसा आ रहा है बेटा जरा देखो, अंदर की तरफ, इज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स को हम कैसे डिनोट करते, क्रॉस से, कैसे डिनोट करते बेटा, क्रॉस से। तो पी वेक्टर हमारा या पी कैप कैसा आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, ठीक है। क्रॉस डिनोट्स व्हाट, कि इनवर्ड है, बोर्ड के अंदर की तरफ। अब एक बात, तो बोर्ड के अंदर की तरफ है तो बोर्ड के तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, हाँ या ना, ठीक है। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स का जो प्लेन है उसके हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, या उन दोनों वेक्टर्स के क्या आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। अब आप एक चीज देखो, तो हमारे पास पी वेक्टर कैसा आया, इनवर्ड आया, चलो तो हम पी वेक्टर लिख लेते हैं। पी वेक्टर कैन बी रिटन एज पी का मैग्नीट्यूड, पी कैप और कैसा, क्रॉस। चलो, पी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड कितना, ए बी साइन थीटा, और पी कैप मतलब क्रॉस। अब यहां ध्यान देना, यहां कैच है, कैच क्या है, सी कैप बाहर की तरफ है डायरेक्शन, और पी कैप कैसा है, अंदर की तरफ है डायरेक्शन। सी कैप और पी कैप दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सी कैप का भी मैग्नीट्यूड वन है और पी कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या है, वन है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सी कैप और पी कैप का मैग्नीट्यूड एक है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक बाहर और एक क्या, अंदर। तो जब हम डायरेक्शन बताते थे, मैंने कहा था बाहर और अंदर, अगर आप वर्ड्स भी समझो तो बाहर और अंदर दोनों एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड्स हैं। अगर एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड्स हैं, जरा देखो, सी कैप का और पी कैप का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं लिख सकता हूं सी पी कैप इज इक्वल टू व्हाट, माइनस सी कैप। आप ध्यान दो, अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, जरा देखो, पी कैप और सी कैप का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते थे, नेगेटिव वेक्टर कहते थे या नहीं कहते थे। तो हमने वही काम करा, सी कैप बाहर वाला वेक्टर है और पी कैप अंदर वाला वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, पी कैप इज इक्वल टू व्हाट, माइनस सी कैप। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, पी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ए बी साइन थीटा माइनस सी कैप, लिख सकता हूं कि नहीं, मैंने पी कैप की वैल्यू क्या रख दी, माइनस सी कैप रख दी। हां, डायरेक्शन अभी भी अंदर है, क्यों अंदर है, क्योंकि माइनस सी कैप कैसा हो गया, तो ये जो पी कैप है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी कैप लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। मतलब अगर बाहर वाला वेक्टर
सी कैप है तो अंदर वाला क्या होगा, उतनी लेंथ का माइनस सी कैप होगा, और सही बात है। पी कैप, सी कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, पी कैप का कितना 1, और डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट, तो पी कैप कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस सी कैप। तो जरा देखो, पी वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ए बी साइन थीटा सी कैप अंदर की तरफ। अब मजेदार बात देखो, मजेदार बात यह हो गई, ये जो ए बी साइन थीटा सी कैप है, माइनस साइन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ए बी साइन थीटा सी कैप, ए बी साइन थीटा सी कैप इज व्हाट, सी वेक्टर, ए बी साइन थीटा सी कैप इज व्हाट, सी वेक्टर। तो p वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस ऑफ c वेक्टर। अब यहां पर आप एक मजेदार बात देखो, p वेक्टर इज व्हाट, माइनस c कैप। अब p वेक्टर कितना था, b क्रॉस a, p वेक्टर कितना था, b क्रॉस a, यहां से उठा रहे बेटा, और माइनस c वेक्टर कितना है, जरा देखो यहां लिखा हुआ है हमने, c वेक्टर इज व्हाट, a क्रॉस b। तो एक बात बताओ, क्या b क्रॉस a a क्रॉस b के बराबर है, नहीं है, b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस b। जरा देखो, a क्रॉस b का डायरेक्शन कैसा था, बाहर, मैग्नीट्यूड सेम था, b क्रॉस a का डायरेक्शन अंदर था, मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, नेगेटिव वेक्टर्स हो गए। तो हम यहां पर, मेरी बात ध्यान सुनना, ये मिटा दूं इधर। अब देखो बेटा क्या कहानी हमारे पास, हमारे पास क्या आ गया, जरा देखो, b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस b, ये आ गया हमारे पास। तो अब आप एक चीज देखो, क्या आप ये लिख सकते हो, b क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। b क्रॉस a कैसा है, अंदर है, और a क्रॉस b किधर है, बाहर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative, मैं दोबारा कर रहा हूं इस चीज को, सारी चीजें दोबारा से, ठीक है, तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट commutative, ठीक है, इतनी बात। चलो अब देखो दोबारा से इसको करते हैं, फिर से एक बार डायरेक्शन को क्लियर कर लें, और देखो नॉट commutative आ रहा है रिजल्ट। अब देखो बेटा दोबारा से करते हैं, हमारे पास ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड a, इसका b, एंगल इनके बीच में थीटा। सबसे पहले मैं निकालता हूं a क्रॉस b, मैंने कहा ये c वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है a b साइन थीटा, डायरेक्शन a की तरफ, राइट हैंड पाम, उसको फिंगर को कर्ल करो किसकी तरफ, b की तरफ, अंगूठा किधर आ गया, बाहर आ गया, तो C कैप जो आया डायरेक्शन वो कैसा आया, आउटवर्ड आया, आउटवर्ड, ठीक है, इतनी बात। तो अब हम क्या लिख सकते हैं C वेक्टर को, C वेक्टर या A क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड आ गया, और C कैप आउटवर्ड, ठीक है, C कैप या C वेक्टर और C कैप is perpendicular to plane, कौन सा plane, इस plane के, देखो जरा किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, perpendicular to plane, भाई देखो dot किधर है, dot किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो perpendicular to plane containing a vector and b vector, दूसरी चीज c vector perpendicular to a vector भी हो गया। अब देखो ये हमारे पास सी वेक्टर है बाहर की तरफ, इसके 90 डिग्री और इसके साथ भी क्या 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब हम करते हैं बी क्रॉस ए, सपोज बी क्रॉस ए आया पी वेक्टर, ठीक है, तो पी का मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम आ गया, डायरेक्शन मैंने राइट हैंड पाम बी वेक्टर की तरफ रखा क्योंकि फर्स्ट वेक्टर है, फिंगर्स को कर्ल करा सेकंड की तरफ, अंगूठा किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो हमारे पास पी कैप इज इनवर्ड्स, कैसा आ रहा है, इनवर्ड्स आ रहा है। अब एक बात, तो
सी कैप और पी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. भाई खुद देखो, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी कैप? 1. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप? 1. और डायरेक्शन सी कैप का बाहर और पी कैप का अंदर. तो हम क्या कह सकते हैं? पी कैप इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ सी कैप अंदर की तरफ. अब अगर मैं पी वेक्टर लिखता हूं, ध्यान से देखना, तो पी वेक्टर इज व्हाट? बी क्रॉस ए. इसको लिख सकते हैं हम ए बी साइन थीटा. मैग्नीट्यूड तो वही है. या तो मैं पी कैप लिखूं या मैं क्या लिखूं? माइनस सी कैप. तो डायरेक्टली माइनस सी कैप लिख देते हैं, क्रॉस. हां या ना? अब हम डायरेक्शन लिख लें. पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. जरा देखो, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ भी परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड. ये कैसा था? आउटवर्ड था. परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, ठीक है, कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. दूसरी चीज, पी वेक्टर अंदर की तरफ है. देखो ये पी वेक्टर है, ये हमारा क्या कहते हैं, मान लो ए वेक्टर है, और ये हमारा क्या है? बी वेक्टर है. तो जरा देखो, व्हाट इज एंगल बिटवीन पी एंड ए? 90 डिग्री. पी एंड बी, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री. तो हम ये कह सकते हैं कि पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी. मतलब जो भी क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा वो उन दोनों वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है. हमेशा ध्यान रखना. अब यहां तक ये बात खत्म हो गई. अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं. अगर हम यहीं पर देखें तो हमें एक चीज दिख रही है, ये पी वेक्टर है या बी क्रॉस ए है, और ए क्रॉस बी देखो कितना है, ये है, ठीक है, इतनी बात. तो क्या आप ये लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए? बिल्कुल नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या एग्जैक्टली अपोजिट है. ए क्रॉस बी किधर है? बाहर. और बी क्रॉस ए किधर है? अंदर. तो इसका मतलब दोनों वेक्टर बराबर नहीं है. तो इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब से डॉट प्रोडक्ट में करते थे, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख लेते थे आसानी से. वेक्टर प्रोडक्ट में आप ऐसा नहीं कर पाओगे. आप अगर ए क्रॉस बी है उसको बी क्रॉस ए के बराबर लिख नहीं सकते, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ है, और बी क्रॉस ए का किधर आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है. तो बराबर तो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. तो वी कैन नॉट राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. तो हम ये भी नहीं लिख सकते, ये भी नहीं कह सकते कि, तो हम ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉमिटेटिव. हाँ, एक चीज जरूर कर सकते हैं आप. ऐसे देखो, अगर मैं इसके सामने माइनस साइन लगा दूं तो यहां भी माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वैसे भी देखो, जो सी वेक्टर है वो किधर है? बाहर की तरफ है, और जो पी वेक्टर है अंदर की तरफ है. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट डायरेक्शन क्या? अपोजिट है. तो हम ये लिख सकते हैं पी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर, या सी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर. यही आपका बार बार सवाल आ रहा है कि भाई सी वेक्टर को क्यों नहीं माइनस पी लिख लेते हैं? लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात. तो अब तो आपने क्या करा होगा, फिर अंदर वाले को पॉजिटिव माना होगा, बाहर वाले को नेगेटिव माना होगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब तो पी वेक्टर को क्या लिखे हम? बी क्रॉस ए, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी. अगर आप ए क्रॉस बी को कन्वर्ट करना चाहते हैं बी क्रॉस ए में, तो उसके सामने क्या लगाना पड़ेगा आपको? माइनस साइन लगाना पड़ेगा. ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट. अभी बेसिक सा, ठीक है, इतनी बात. अब आगे बात करते हैं. अब कुछ बच्चों का सवाल आ रहा है कि भाई बड़े वाले एंगल से क्यों नहीं, कि अभी तक सारे रिजल्ट बड़े वाले एंगल से भी क्या आ रहे थे? सही आ रहे थे. आज आपने ऐसा क्यों नहीं करा? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखो, अभी मिटा दूं इसे. चलो देखो, पहले छोटे वाले एंगल से दोबारा से बता देता हूं. मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ठीक है. मैंने अपना रोटेशन राइट हैंड पाम ऐसे रखा, ऐसे कराया रोटेशन छोटे वाले एंगल से, ये ठीक है. तो मैग्नीट्यूड आ गया ए बी साइन थीटा, ठीक है. और डायरेक्शन कैसा आ रहा है? बाहर आ रहा है. सी कैप कह दिया, ये सारी कहानी आ गई, ठीक है. अब मैं सेम कहानी ले रहा हूं, सेम दोनों वेक्टर, ये ए वेक्टर सेम, इसका मैग्नीट्यूड ए, ये बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बी. ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना था? 360 माइनस थीटा, ऐसा है, ठीक है. अब
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बड़े वाले एंगल से करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आप राइट हैंड पाम को ऐसे रखो, रखोगे तो आप पहले मुझे निकालना क्या है, मुझे अगेन निकालना है ए क्रॉस बी, क्या निकालना है ए क्रॉस बी। अगर ये सी वेक्टर के ही बराबर आ जाता है तो मतलब बड़े वाला एंगल और छोटे वाले एंगल से रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यही आपका सवाल है शायद। चलो अब मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट वेक्टर की तरफ ए की तरफ अपना राइट हैंड पाम रखा और फिंगर्स को कर्ल करा ऐसे, अंगूठा किधर जा रहा है अंदर, अंदर मतलब क्या डायरेक्शन क्या होगी माइनस सी कैप, आगे डायरेक्शन क्योंकि बाहर वाला हमने क्या लिया था प्लस सी कैप, तो अंदर वाला क्या माइनस सी कैप। चलो अब आप एक काम करो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी साइन 360 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल कितना भी इसके बीच में हम ले रहे हैं 360 माइनस थीटा, और डायरेक्शन माइनस सी कैप। ये हमारा क्या आ रहा है आर वेक्टर आ रहा है, मान लो ए क्रॉस बी को हमने क्या माना आर वेक्टर। अगर आर वेक्टर सी वेक्टर के बराबर आ गया तो हमारा रिजल्ट क्या है बड़े वाले एंगल से भी और छोटे वाले वेक्टर से भी क्या है सही है। अब जरा देखो थ्री साइन 360 माइनस थीटा इज व्हाट माइनस साइन थीटा, तो जरा देखो आर वेक्टर कम्स आउट टू बी ए बी साइन थीटा और इधर क्या माइनस सी कैप, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आर वेक्टर इज अगेन ए बी साइन थीटा सी कैप। एक बात बताना यार, ये चीज और ये चीज सेम आ गई कि नहीं आ गई, और सेम आ गई तो आर वेक्टर किसके बराबर हो गया सी वेक्टर के बराबर। अब डायरेक्शन अपने आप ही बाहर आ गई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, उसने पलट दिया उसे डायरेक्शन को, तो इसका मतलब हम बड़े वाले एंगल से करें चाहे छोटे वाले एंगल से करें रिजल्ट हमेशा क्या आता है सेम आता है। अगर किताबों में कहीं लिखा है छोटे वाले एंगल को प्रेफर करो तो गलत बात लिखी है, वो सिर्फ जुगाड़ है, ठीक है, इतनी बात फालतू चीज है, किसी भी एंगल से करो रिजल्ट सेम आता है। आप खुद देख लो एंगल कितना था 360 माइनस थीटा, तो मैग्नीट्यूड में 360 माइनस थीटा यूज करा, साइन 360 माइनस थीटा इज व्हाट माइनस साइन थीटा, और माइनस सी क्या क्योंकि हम ऐसे घुमा रहे थे तो अंदर की तरफ आ रहा था। अब इसका माइनस और इसका माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, ये दोबारा से पलटी मार गया तो जो रिजल्ट आया हमारे पास वो डॉट ही आया, कितना आया सी वेक्टर, ठीक है, इतनी बात किधर की तरफ आया बाहर की तरफ आया, क्लियर है। तो चाहे बड़ा वाला एंगल ले चाहे छोटा वाला एंगल ले रिजल्ट क्या आता है सेम आता है, ठीक है, इतनी बात। अब 360 वाला रिपीट कर दूं, बेटा एक बात बताओ मैंने क्या कहा था शुरू में ही कहा था कि हम जब क्या कहते हैं वेक्टर पढ़ते हैं तो हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है, वो बड़ा वाला एंगल भी ले सकते हो आप छोटा वाला भी ले सकते हो, दोनों से चीजें सेम आती हैं, ठीक है। अब अगर दोनों से चीजें सेम आती हैं तो मैंने छोटे वाले एंगल से तो कर ही दिया था ए क्रॉस बी, ऐसे हाथ रखा और फिंगर को ऐसे कर्ल कर दिया, तो एक बच्चे ने मुझसे बोला कि ऐसे हाथ रख के ऐसे बड़े वाले एंगल से क्यों नहीं घुमाया, ये सवाल था किसी बच्चे का, तो मैं वही कर रहा हूं। इससे करा हमने ए क्रॉस बी किधर आ रहा है बाहर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ये है डायरेक्शन डॉट है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसमें आ जाओ, मैं बड़े वाले एंगल से कर रहा हूं, जरा देखो ऐसे घुमाया मैंने डायरेक्शन किधर आ रहा है अंदर, तो डायरेक्शन क्या ले ली मैंने माइनस सी कैप, ठीक है, इतनी बात। अब मैग्नीट्यूड कितना आएगा ए बी साइन 360 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल तो 360 माइनस थीटा है डाल दिया हमने, और डायरेक्शन क्या माइनस सी कैप। अगर ये आर वेक्टर इसी के बराबर आ जाता है तो रिजल्ट बड़े वाले से भी और छोटे वाले से भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है, तो वही देख लेते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा, मैथ्स वाले सर ने आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ाया होगा उसमें बताया होगा साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका माइनस साइन थीटा आ गया और इसका माइनस सी कैप है, माइनस माइनस क्या हो गया अगेन प्लस हो गया, माइनस माइनस अगर प्लस हो गया तो दोबारा से क्या आ गया ए बी साइन थीटा सी कैप आ गया। जरा देखो यहां भी लिखा है ए बी साइन थीटा सी कैप, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं सी वेक्टर लिख सकता हूं, सी वेक्टर लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि मैं बड़े वाले एंगल से करूं या छोटे वाले एंगल से करूं रिजल्ट क्या आने वाला है सेम आने वाला है, क्लियर है। चलो अब हम आगे बात करेंगे, मिटा दें इसे, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा उससे पहले एक चीज और बता दें, एप्लीकेशन से पहले अगर कहीं पर ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मैंने बार बार कहा है कि आप इसमें कॉमिटेटिव लॉ नहीं लगा सकते, मतलब आगे पीछे नहीं खिसका सकते, जैसे ए क्रॉस बी है तो उसे ए क्रॉस बी ही लेना पड़ेगा, बी क्रॉस ए लिखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा गलत आएगा डायरेक्शन बदल जाएगी, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, कभी ये मत कर देना सी क्रॉस ए लिख दो आप, क्योंकि तब रिजल्ट क्या कर जाएगा बदल जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट बी क्रॉस ए, बराबर नहीं होते ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए,
दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो बिल्कुल जैसे सीक्वेंस में है क्रॉस प्रोडक्ट में वैसे ही लिखना है आपने, कहीं पर भी ऑर्डर नहीं बदलोगे कि बी क्रॉस ए पहले लिख दें, बी पहले लिख दें, ए बाद में लिख दें। ये काम आप क्रॉस प्रोडक्ट में ही कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कर सकते हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव तो हो गया, देखो यहां से पहले इससे फिर इससे, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लियर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, एरिया सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? आप लोग चैट बॉक्स में इसका जवाब लिखो, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज एरिया, स्केलर और वेक्टर, फटाफट। ठीक है, रुक जाओ, अब सुनो भाई, एरिया कैसी क्वांटिटी है बेटा? एरिया एक अजीबोगरीब सा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इट कैन बी बोथ स्केलर एज वेल एज वेक्टर, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये आता है, कब ये स्केलर क्वांटिटी होगा, कब ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कब होगा वो बता देता हूं मैं आपको, जब भी एरिया किसी फील्ड के साथ, अब फील्ड वर्ड आपने नहीं सुना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा या वहां पर उसका कोई एप्लीकेशन होगा, तो दिस विल क्लियरली बिहेव एज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये बात हम 12th क्लास में, एरिया वेक्टर हमारे पास कई जगह आएगा, 11th क्लास में शायद एक जगह लिक्विड में आएगा, बाकी जगह नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, स्केलर क्वांटिटी भी होता है, ये ध्यान रखना। ज्यादातर जगहों पे जो आप पढ़ के आए हो 10th तक, दैट इज वहां पर एरिया बिहेव्स एज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। और जो हम 12th क्लास में बहुत सारी जगह पर पढ़ेंगे वहां पर एरिया कैसा बिहेव करेगा, वेक्टर क्वांटिटी जैसा बिहेव करेगा। अब एप्लीकेशन क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो मैंने बता दिया, जब आएगा यूज वेक्टर क्वांटिटी का तो आपको पता चलेगा कि ये वेक्टर कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इज यूज्ड टू फाइंड आउट एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस। अगर कहीं पर एरिया वेक्टर जैसा यूज हो रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट उस एरिया वेक्टर को निकालने के काम आता है, ठीक है, इतनी बात। अब कैसे निकालने काम आता है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, इतनी बात। मान लो हमारे पास, चलो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, सपोज दिस इज ए वेक्टर जिसकी लेंथ ए, दिस इज बी वेक्टर इसकी लेंथ बी, और इनके बीच में एंगल थीटा। जो आपने पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ा हुआ है बचपन से वो क्या है मैं आपको बता देता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, यही पढ़ा है आपने। मैं कर देता हूं एक बार इसी तरीके से जैसे आपने पढ़ा है, मैं यहां से क्या ड्रॉप करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, दिस इज व्हाट हाइट। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, अगर मैं ध्यान से देखूं, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो एरिया इस पैरेललोग्राम का क्या हो गया, बेस इज व्हाट ए इनटू व्हाट एच, ए बी साइन थीटा, एच की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा है, ये एरिया आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड है इस पैरेललोग्राम के एरिया का, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, मुझे एरिया वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर
ऑफ अ पैरलोग्राम, जरा देखो मैंने लिखा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पैरलोग्राम के दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अब करके देखो ए क्रॉस बी, चलो मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना आ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का बी, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड आता क्या वही आ रहा है। डायरेक्शन क्या आ रहा है इसका, जरा देखो ए की तरफ हाथ और बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल कर दिया, किधर आ रहा है बाहर की तरफ। तो एरिया वेक्टर इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ए आर कैप, ए आर कैप कैसा बाहर की तरफ, किधर की तरफ आ रहा है बाहर की तरफ। तो एरिया ऑफ पैरलोग्राम क्या हो गया ए क्रॉस बी हो गया, और किधर की तरफ आ रहा है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ। अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो इसी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या आएगा अंदर की तरफ आएगा। अब एक बार बताओ जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आ रहा है ए क्रॉस बी में बाहर की तरफ आ रहा है, और अगर बी क्रॉस ए करूं तो किधर की तरफ आएगा अंदर की तरफ आएगा। दोनों केसेस में इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना कि एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो सरफेस होता है, सरफेस क्या ये रहा सरफेस, इसके एरिया वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर। आप देखो ए क्रॉस बी किधर आ रहा है बाहर, ठीक है इतनी बात। तो एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है इतनी बात। जो भी सरफेस है जिसका भी हमें एरिया निकालना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर डायरेक्टेड होता है, क्लियर इतनी बात, ठीक। अब इसी तरीके से अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना होता, सपोज ये ट्राइंगल है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये एंगल थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एरिया, ठीक है कितना होता है, यहां से ऐसे ड्रॉप कर दें, दिस इज व्हाट एच, पहले स्केलर में लिख लेते हैं, दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट। व्हाट इज हाइट, हाइट इज अगेन व्हाट बी साइन थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ट्राइंगल एरिया इज हाफ बेस इज व्हाट ए बी साइन थीटा। अब मजेदार बात देखो, मैं क्या कर सकता हूं, ट्राइंगल एरिया कैन बी ऑल्सो रिटन एज हाफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी देखो कितना आएगा ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वही आ गया हाफ ए बी साइन थीटा, आ गया कि नहीं आ गया, और डायरेक्शन क्या आ रहा है इसका बाहर की तरफ। तो ट्राइंगल का जो सरफेस है उसके क्या आ रहा है परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मैं यही बात बोल रहा था कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है ठीक है। तो एरिया वेक्टर जब भी वेक्टर जैसा यूज होगा तो सरफेस के क्या आएगा परपेंडिकुलर आएगा। मैं जरा चैट बॉक्स चेक कर लूं एक बार। तो एरिया कैन बी ट्रीटेड एज बोथ टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर एज वेल एज वेक्टर, ठीक है बेटा। अब मैं लेक्चर को यहीं रोकूंगा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसका डीपीपी आपको आज नहीं मिलेगा, अगली क्लास में मिलेगा, ठीक है इतनी बात। लेक्चर को यहीं रोकेंगे, अगली क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट के और एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं सवाल करेंगे खूब सारे, ठीक है इतनी बात, तब वेक्टर हमारा कंप्लीट होगा, ठीक ओके।